परिवहन मंत्री जीएस बाली के आदेशों का हवाला देकर बिंद्राबनी बस हादसे में घायलों को रात 9 बजे बिना डॉक्टरों की सलाह और परिजनों की सहमति के टांडा मेडिकल ले जाने का प्रयास किया गया है। यह आरोप लगाया है किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के संयोजक तेजा शर्मा ने। संयोजक ने इसके खिलाफ मंत्री के इस्तीफे और डीएम को बर्खास्त करने की मांग की है। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के संयोजक देशराज शर्मा ने परिवहन मंत्री जीएस बाली पर आरोप लगाया है कि उनके आदेशों का हवाला देकर बिंद्रावणी बस हादसे में घायलों को रात 9 बजे बिना डॉक्टरों की सलाह और परिजनों की सहमति के बिना टांडा मेडिकल ले जाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि जब हादसे के घायल रात 9 बजे के करीब क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में आराम कर रहे थे तो एकाएक एचआरटीसी के डीएम मंडी एएन सलारिया दलबल के साथ आए और कांगड़ा जिला के घायलों को कहने लगे कि परिवहन मंत्री जीएस बाली के आदेश हैं कि कांगड़ा के सभी घायलों को टांडा ले जाया जाए। शर्मा ने कहा कि घायलों को देखने मंडी के तीनों मंत्रियों में से कोई नहीं आया, जबकि परिवहन मंत्री भी घायलों को जबरदस्ती ले जाने के फरमान को पूरा होते न देखते हुए हादसे के 15 घंटों के बाद रात 1 बजे घायलों से मिलने पहुंचे। रात को ये जो वक्त है अभी मेरा भी यहाँ एक भांजा एक्सीडेंट में एडमिट है। अभी रात को 9:15 बजे यहाँ कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि बाली साहब का आदेश है तो जो कांगड़ा के जो रोगी हैं उनको टांडा भेज दिया जाए एम्बुलेंस में, जबकि उनके परिजन कह रहे हैं कि डॉक्टर ने मना किया है इनको लाने से भी, तो हम अभी रात को नहीं ले जाएंगे। लेकिन वो यहाँ पूरा उन्होंने माहौल बना दिया कि इनको एम्बुलेंस में डाल के टांडा रेफर कर दिया जाए, तो हमने बिल्कुल ये बात उठाई कि भाई जब डॉक्टर ने रेफर नहीं किया है परिजन मना कर रहे हैं तो आप लोग कैसे ले जा सकते हैं इनको यहाँ से। तो इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, रोड बहुत गंदे हैं और सरकार और जो मंत्री हैं वो हादसे रोकने के लिए तो कोई कदम नहीं उठाते। यहाँ रोगी पड़े इनको कोई कंबल लिया है कुछ और कर दिया वैसा तो कोई मदद नहीं करते हैं। अगर राजनीति खेलने के लिए जो है वो इस तरह से घायलों को जबरदस्ती यहाँ से रेफर करना। वहीं वहां मौजूद घायलों के परिजनों ने बताया कि वह इस हालत में घायलों को टांडा नहीं ले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि घायलों की स्थिति इस लायक नहीं है कि उन्हें वहां से कहीं और ले जाया जाए। तो मैं तो इनको तो मना किया कि ये 2 दिन नहीं ले सकते हैं यहां से, कि इनकी गर्दन में दर्द है। बाकी बोले वाली साहब का फोन आया यहाँ जो है यहाँ से टांडा को किसने बोला यहाँ कह रहे थे भाई फोन आया कोई बंदे आ रही है HRTC की DM साहब की कोई आए फिर उन्होंने बोला भी हम को भी आपको बाली साहब का मंत्री साहब का आ रहा है तो उन्होंने बोला भी रेफर कर रहे डॉक्टर साहब बोले डॉक्टर साहब से पूछ लो अगर भेजने लायक हो तो दी गई हमने क्या कह रही रास्ता में लंबा है ज़्यादा उछल पुछल होगा तो ठीक नहीं। क्या लग रहा है आपको क्या ले जाना है? फिलहाल हालत खराब है इनकी, अगर वो जो 1.5% है ना इनकी हालत खराब है। वो देखो टांग में दर्द है हिल नहीं रहे हैं, छाती में दर्द है, उनकी हालत खराब है। 5 पेशेंट हैं। डॉक्टर ने कुछ बताया? डॉक्टर आए कुछ नहीं तो साहब ने देखो देखो फल देख करके बताएंगे, भेजने लायक होंगे तो भेज देंगे, अगर भेजने लायक नहीं होंगे तो हम नहीं भेजेंगे। देशा शर्मा ने कहा कि बिंद्रावणी में भी यदि क्रैश बैरियर होते तो सबकी जान बच सकती थी। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट K चैनल मंडी।